दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे नेहरू खानदान के विषय में। स्वागत है आप सबका रौनक ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, नेहरू खानदान की शुरुआत होती है राजकोल से और उनके बेटे गियासुद्दीन गाजी उर्फ गंगाधर नेहरू से। रॉबर्ट हार्डी एंड्रयूज की किताब द स्टोरी ऑफ मैडम पंडित में गंगाधर का चित्र छपा था, जिसके अनुसार गियासुद्दीन गाजी असल में एक सुन्नी मुसलमान था। गियासुद्दीन गाजी 1857 की क्रांति से पहले मुगल साम्राज्य के समय में एक शहर के कोतवाल हुआ करते थे। 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों के भारत पर अच्छे से कब्जा हो गया था, तो अंग्रेजों ने मुगलों पर कत्लेआम शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने मुगलों का एक एक करके सफाया करना शुरू कर दिया था। हालांकि अंग्रेजों ने हिंदुओं पर कोई हमला नहीं किया, इस बात से डरकर कुछ मुसलमानों ने हिंदू नाम अपना लिए ताकि उन्हें लुकने छिपने में आसानी हो सके। गियासुद्दीन अपने परिवार के साथ कश्मीर से दिल्ली आ गया और गियासुद्दीन गाजी ने भी अपना एक हिंदू नाम रखा गंगाधर। और दिल्ली में यह जहां रहते थे वहां से एक नहर बहती थी, तो इन्होंने अपना उपनाम बना लिया नेहरू। तो इस तरह से नेहरू परिवार की शुरुआत हुई, पहले गंगाधर नेहरू, फिर उनके बेटे मोतीलाल नेहरू, फिर जवाहरलाल नेहरू। एमके सिंह की पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के 13वें संस्करण में विस्तार से इसका उल्लेख है। उस समय सिटी कोतवाल का दर्जा आज के पुलिस कमिश्नर का दर्जा हुआ करता था और उस समय मुगल साम्राज्य में कोई भी बड़ा पद हिंदुओं को नहीं दिया जाता था, विदेशी मूल के मुस्लिम लोगों को ही ऐसे पद दिए जाते थे। जवाहरलाल नेहरू की दूसरी बहन कृष्णा ने भी ये बात अपनी किताब में लिखी है कि जब बहादुर शाह जफर का राज्य था तब उनके दादा यानी कि गियासुद्दीन सिटी कोतवाल हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब आत्मकथा में यह भी लिखा है कि उन्होंने अपने दादा की एक तस्वीर देखी थी जिसमें उनके दादा एक मुगल ठाकुर की तरह कपड़े पहने हैं और चित्र में यह साफ दिखाई दे रहा है कि एक लंबे समय से मोटी दाढ़ी रख रहे थे और मुस्लिम टोपी पहने हुए थे और उनके हाथ में दो तलवार भी थी। यह जानकर हैरानी होगी कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म नंबर 77 मीरगंज अलाहाबाद में हुआ था, जो कि एक वैसल्य था। अलाहाबाद में यह इलाका बहुत लंबे समय से वैश्यावृत्ति के लिए प्रसिद्ध है। उसी घर का कुछ हिस्सा मोतीलाल नेहरू ने लालीजा नाम की एक वैश्या को बेच दिया था और बाद में मोतीलाल नेहरू अपने परिवार के साथ आनंद भवन में रहने आ गए थे। एमसी भट्ट की एक पुस्तक द ग्रेट डिवाइड मुस्लिम सेपरेशन एंड पार्टीशन के अनुसार जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी अपने पिता मोतीलाल नेहरू के कर्मचारी सैयद हुसैन के साथ भाग गई थी। मोतीलाल नेहरू जबरदस्ती उन्हें वापस ले आए और रंजीत पंडित नाम के व्यक्ति से शादी करवा दी। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। भारतीय सिविल सेवा के एमओ मथाई, जो कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के करीब 10 वर्ष तक निजी सचिव रहे, उन्होंने अपनी पुस्तक रेमिनेंस ऑफ द नेहरू एज में लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबेटन, जो कि भारत के आखिरी वायसराय लुइस माउंटबेटन की पत्नी थी, उनके बीच गहरे प्रेम प्रसंग थे। ये प्रेम प्रसंग इंदिरा गांधी के लिए शर्मिंदगी के स्रोत थे। वो पहले ही अपनी माँ कमला नेहरू के देहांत से बेहद दुखी थी, जिनकी टीबी के कारण मृत्यु हो गई थी। इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू को समझाने के लिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की मदद भी लिया करती थी और उन्होंने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू का सरोजनी नायडू की पुत्री पद्मजा नायडू के साथ भी प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। इस बात का खुलासा भी हुआ है। जवाहरलाल नेहरू अपने कमरे में पद्मजा नायडू की तस्वीर रखते थे, इंदिरा गांधी हटा दिया करती थी। इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला कराया गया था, लेकिन वहां से बेकार प्रदर्शन के लिए बाहर निकाल दिया गया। फिर शांति निकेतन में पढ़ते वक्त ही रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें अनुचित व्यवहार के लिए बाहर निकाल दिया था। इन सब परेशानियों के चलते इंदिरा गांधी अकेलापन और अवसाद का शिकार होने लगी थी और तभी उनके जीवन में आए फिरोज खान। फिरोज खान व्यापारी मुबारक अली के बेटे थे, जो आनंद भवन में घरेलू सामान और शराब पहुंचाते थे।
जो कि जूनागढ़ गुजरात के मूल निवासी थे। मुबारक अली ने फारसी महिला से शादी की, उसे मुस्लिम बनाया। फिरोज खान इसी महिला के संतान थे। उनकी माँ का उपनाम था गांधी। यह नाम फारसियों में अक्सर पाया जाता था। विवाह से पहले फिरोज गांधी फिरोज खान थे और इंदिरा गांधी की माँ कमला नेहरू इन दोनों की शादी के खिलाफ भी थी। अब पिता राजनीति में पूरी तरह से व्यस्त थे और माँ मृत्यु सैया पर पड़ी हुई थी। इसी बात का फायदा फिरोज खान ने उठाया और इंदिरा गांधी को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाकर लंदन की एक मस्जिद ने उनसे शादी रचा ली और इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू का नाम रखा गया मैमुना बेगम। जवाहरलाल नेहरू को जब यह बात पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए और जब ये खबर मोहनदास करमचंद गांधी को मालूम चली तो वो जवाहरलाल नेहरू को बुलाकर समझाया। राजनीतिक छवि के खातिर फिरोज को मनाया कि वो अपना नाम गांधी रख ले। ये आसान काम था कि एक शपथ पत्र के जरिए बजाय धर्म बदलने के सिर्फ नाम बदला जाए, और कुछ इस तरह फिरोज खान फिरोज गांधी बन गए। तो फिर फिरोज और इंदिरा को इंडिया बुलाकर जनता के सामने दिखाने के लिए पुनः एक बार वैदिक रीति से उनका विवाह करवाया गया ताकि उनके खानदान की शान बनी रहे। इस बारे में नेहरू के सेक्रेटरी एम ओ मथाई अपने पुस्तक रेमिनेंस ऑफ नेहरू एज में पृष्ठ नंबर 94 पैराग्राफ 2 में लिखते हैं कि पता नहीं क्यों नेहरू ने सन 1942 में एक अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को वैदिक रीति रिवाज से किए जाने की अनुमति दी, जबकि उस समय ये असंवैधानिक था और कानूनी रूप से सिविल मैरिज होनी चाहिए थी। राजीव गांधी के जन्म के कुछ समय बाद ही इंदिरा और फिरोज अलग हो गए थे, लेकिन तलाक नहीं हुआ था। बताया जाता है कि फिरोज गांधी अक्सर नेहरू परिवार से पैसे मांगते और परेशान किया करते थे, यहाँ तक कि नेहरू परिवार के राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप भी करने लगे थे। तंग आकर नेहरू ने फिरोज को आनंद भवन में आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मथाई अपने किताब में लिखते हैं कि फिरोज के मृत्यु में नेहरू और इंदिरा को बड़ी राहत मिली थी। 1960 में फिरोज गांधी की मृत्यु भी रहस्यमयी हालत में हुई थी। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के बारे में। संजय गांधी का असली नाम संजीव गांधी था, अपने बड़े भाई राजीव गांधी से मिलता जुलता, लेकिन संजय नाम रखने की नौबत इसलिए आई कि उन्हें लंदन पुलिस ने इंग्लैंड में कार चोरी के आरोप में पकड़ा था और पासपोर्ट जब्त कर लिया था। ब्रिटेन में तत्कालिक भारतीय उच्चायुक्त कृष्ण मेनन ने तब मदद करके संजीव गांधी का नाम बदलकर नया पासपोर्ट संजय गांधी के नाम से बनवाया था। इन्हीं कृष्ण मेनन साहब को भ्रष्टाचार के एक मामले में नेहरू और इंदिरा ने बचाया था। अब संजय गांधी का विवाह एक सिख लड़की मेनका आनंद से हुआ था। कहा जाता है कि संजय गांधी के रंगरलियों की वजह से मेनका गांधी के पिता कर्नल आनंद ने संजय गांधी को जान मारने की धमकी दी थी और फिर कहीं जाकर उन दोनों की शादी हुई। मेनका कोई साधारण लड़की नहीं थी, क्योंकि उस जमाने में बॉम्बे डाइन के लिए एक तौलिया का विज्ञापन किया था। आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि संजय गांधी अपनी माँ को ब्लैकमेल करते थे और जिसके कारण उनके सभी बुरे कामों पर इंदिरा गांधी ने पर्दा डाला है और उन्हें अपनी मनमानी करने की छूट दी। संजय गांधी की एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई और प्लेन दुर्घटना भी पूर्ण रूप से रहस्यमयी थी। संजय गांधी का प्लेन गोता लगाते हुए किसी चीज से टकराया और क्रैश हो गया। ऐसा सिर्फ उस स्थिति में होता है जब विमान में ईंधन खत्म हो जाए, लेकिन उस समय की विमान का रजिस्टर बताता है कि उड़ने से पहले ही टैंक पूरा भरा गया था और बाद में इंदिरा गांधी के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जांच निश्चित करवा दी थी। अब वापस आते हैं जवाहरलाल नेहरू की ओर। एम ओ मथाई अपनी पुस्तक की पृष्ठ नंबर 206 पर लिखते हैं, 1948 में वाराणसी की एक सन्यासन दिल्ली आई। इसका काल्पनिक नाम था श्रद्धा माता। वो संस्कृत की विद्वान थी और कई उसकी व्याख्याएं सुनने को बेताब रहते थे। वो भारतीय पुरातत्व लेखों और सनातन संस्कृत की अच्छी जानकार थी।